नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज हम इस वीडियो में भगवान वास्तु देवता की पूजा विधि जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वास्तु देवता की पूजा किस प्रकार से करें। आपको हम वास्तु देवता की पूजा विधि बताना आरंभ करें तो आप सबसे निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। बताते हैं आपको वास्तु देवता की पूजन विधि। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वास्तु देवताओं का ध्यान करें। ओम वास्तु स्वते प्रति जानी हसमान स्वावेशो अनामी वो भावाना जदवे माहे प्रतितन्नो दुखस्वासन्नो भावद्युपादे संचतुःपादे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ओम वांग वास्तु पुरुषाय नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। इस प्रकार से वास्तु देवताओं का ध्यान करके वास्तु मंडल की वेदी पर अक्षत पुष्प छोड़ दें और पुनः अक्षत पुष्प लेकर के अब सभी वास्तु देवताओं का वास्तुमंडल की वेदी पर आवाहन करना है। नाम बोलते रहना है वास्तु देवताओं के और आगे बोलना है आवाहयामि स्थापयामि। जैसे पहला नाम है ओम सिखिने नमः, तो आपको बोलना है सिखिने आवाहयामि स्थापयामि। दूसरा नाम है परजन्याय नमः, तो बोलना है परजन्याय आवाहयामि स्थापयामि। अगला नाम है जयंताय नमः, जयंत आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से सभी देवताओं का वास्तु देवताओं का नाम बोल करके वास्तु मंडल की वेदी पर आवाहन करते। मैं यह सब नाम यहाँ पर अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यह नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से नाम देख करके बोल करके आवाहयामि स्थापयामि बोल करके सभी वास्तु देवताओं का आवाहन स्थापन कर लेना। आवाहन हो जाने के पश्चात अब वास्तुमंडल देवता में सभी वास्तु देवताओं का स्थापन प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो अब वास्तुमंडल की वेदी को स्पर्श करें और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र इस प्रकार से बोलें। ओम मानो जूत्र जुखाता मा जस्या वृहस पात्र जजियामी मन तनो त्वरिष्टं जज्ञगुं सामी मन दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात अब वास्तुमंडल में सभी देवताओं का पूजन करना है, आवाहित देवताओं का। तो वास्तुमंडल की वेदी पर चार बार जल छोड़ें या कोई पात्र रख लें उसमें चार बार जल छोड़ें वास्तुमंडल के पूजन के निमित्त। ओम पादयोः पाद्यम हस्त्युर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात वास्तुमंडल की वेदी पर वस्त्र तथा उपवस्त्र समर्पित करें। वस्त्र तथा उपवस्त्र के पश्चात आचमन के उद्देश्य से जल छोड़ें। पुनः यज्ञोपवीत वास्तुमंडल की वेदी पर जो कलश रखा है उस पर लगावें और पुनः आचमन करवावें। इस प्रकार से आचमन करवा देने के पश्चात वास्तुमंडल की वेदी पर चंदन समर्पित करें। चंदन के पश्चात अक्षत समर्पित करें। अक्षत के पश्चात पुष्प तथा पुष्पमाला भी समर्पित करें और फिर बिल्व पत्र समीपत्र भी वास्तुमंडल की वेदी पर समर्पित करें। तत्पश्चात अबीर गुलाल हरिद्रा आदि भी एक पुष्प में लगा करके समर्पित करें और फिर इत्र सुगंधित द्रव्य समर्पित करें और पुनः अब वास्तुमंडल में आवाहित देवताओं की वैदिक आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। धूप और दीप दिखा देने के पश्चात अपने हाथों को धुल लें और वास्तुमंडल की वेदी पर नैवेद्य फल मीठा तांबूल आदि समर्पित करें और आचमन करवावें। आचमन करवा देने के पश्चात द्रव्य दक्षिणा वास्तुमंडल की वेदी पर समर्पित कर दें और इस प्रकार से हाथ जोड़ करके वास्तुमंडल के देवताओं से प्रार्थना करें।
ओम देवेश वास्तु पुरुष सर्व विघ्न विदारण शांतिम कुरु सुखम देहि यज्ञेस्मिन् मम सर्वदा। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने द्वारा किए हुए पूजन का समर्पण करें। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मादि वास्तु मंडल देवता सहित वास्तु पुरुषाय नमः। अनेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैरन्योपचारैश्च कृतेन पूजनेन ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मादि वास्तु मंडल देवता सहितो वास्तु पुरुषः प्रियंतान् नमः। इस प्रकार से यह वास्तु मंडल देवताओं की पूजा विधि रही। अगर आप पूजन के संपूर्ण मंत्र जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में सभी देवताओं की पूजा में प्रयोग होने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप इन वास्तु पुरुष की पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस प्रकार से वास्तु मंडल की पूजा भी संपन्न हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।